हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डेली जो है शाम को एक वीडियो आएगी टिकटॉक के ऊपर, तो ये वीडियो जो है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है टिकटॉक के बारे में और ये बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें जो है US के टिकटॉक को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये जो है इंडिया के भी रिलेट करती है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैंने एक सुबह वीडियो डाला था जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है और उसमें हीर खान के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्कस में आप उसे देख सकते हैं जाके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हम जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे कुछ अपडेट आपके लिए लाते रहे। दोस्तों ये अपडेट जो है जिंग यांग की तरफ से है और ये जो US के व्यापार को खरीदने को लेकर है, तो आपको जो है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके लाया हूं, तो आप जो है उसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और जो उसके कुछ मेन पॉइंट हो गए वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो अपडेट दिखा दे रहा हूँ और आप इसे बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इसके टॉप पर देख सकते हैं कि टिकटॉक ने जो है US पर मुकदमा दायर किया है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई के आदेश से इसकी उचित प्रक्रिया से वंचित किया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है इसमें ट्रंप सरकार का ये होगा कि वो जो है इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगा, जैसे कि उसने बताया था कि हम जो है इसे 15 सितंबर तक बैन कर देंगे। और उसने फिर बाद में एक अपडेट और लाया था कि इसे 90 दिनों का टाइम, पहले आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, पहले इसे 45 दिनों का टाइम दिया था, फिर इसे उसे बढ़ाकर जो है 90 दिनों का कर दिया। तो टिकटॉक भी इससे जो है थक गया था और उसने जो है हाल फिलहाल इस पर कार्रवाई कर दी, और वो ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता कि जिससे कि ट्रंप सरकार कि वो नजरों में आए और उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। लेकिन यहाँ पर जो ट्रंप सरकार के खिलाफ टिकटॉक ने एक और बड़ा गेम खेल दिया है, उसे जो है एक क्लीन चिट, जी हाँ दोस्तों, उसके लिए एक क्लीन चिट मिलेगी टिकटॉक के लिए अगर ये केस जीत जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अगर इसे क्लीन चिट मिलती है कि ये साफ कर देता है कि हम जो है टिकटॉकरों का जो यूज़र का डाटा होता है हम किसी दूसरे सर्वर पर अपलोड नहीं करते हैं, और उसने जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि टिकटॉक ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी कम्युनिटी गाइडलाइंस इन सब चीज़ों के बारे में जो है उसने पूरे बदलाव कर दिए हैं और कुछ वीडियो भी उड़ाए हैं जो इसके अगेंस्ट थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 380,000 वीडियो भी उड़ाए थे और 13,000 अकाउंट भी उड़ाए थे जो इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते थे। और दोस्तों मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका ऑल ओवर वर्ल्ड इसका जो है व्यापार की जो कीमत बताई जा रही है वो $1.6 trillion, जी हाँ ट्रिलियन, जी हाँ दोस्तों। तो अब इसकी जो छोटी सी हिस्सेदारी खरीदने की जो बात आई थी वो सबसे पहले आई थी शिकोया कैपिटल, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अब इसमें कई ऐसी छोटी बड़ी कंपनियां आई हैं इसमें बोली लगाने के लिए। और दोस्तों इसकी जो अंदर की जो प्रक्रिया है वो उसे गोपनीय रखा गया, इसे आप बड़ी आसानी से पढ़। और दोस्तों इसमें इस सब रिपोर्ट के मुताबिक अब ये साफ हो गया है कि टिकटॉक जो है US में बैन नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है लीगल एक्शन लिया है, तो इसमें कोई चांस नहीं देना चाहता जो है टिकटॉक। तो अब इससे साफ हो जाएगा, इसका रास्ता भी साफ हो जाएगा, और जब ये US में बैन नहीं हुआ तो इसकी इंडिया में वापसी थोड़ी आसानी से हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसे केस जीतना होगा, तो इसके बाद ही ऐसी आशा कीजिए कि ये केस जीत जाए और आने वाले समय में जो है हमारे बीच टिकटॉक आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके के सोशल मीडिया अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।